माधोपुर मलाही टोला में भाजपा पूर्वी मंडल की बैठक संपन्न हुई, जिसमें बिहार विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता हरी सहनिका, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल और विधायक उमाकांत सिंह की अगुवाई में भव्य स्वागत किया गया। अपने संबोधन में बिहार विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता हरी सहनी ने कहा कि जन जन की यही पुकार 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का देश विदेश में मान सम्मान बढ़ा है, देश समृद्ध हुआ है, गरीब और पिछड़ों के मान सम्मान में वृद्धि हुई है। आगामी 2024 के चुनाव में भी मोदी सरकार बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। अभी तक लिख करके बिहार सरकार को हम दे चुके हैं, डीपीआर बन चुका है, पैसा ट्रैक्टर के अभाव में रुका हुआ है, उस मजबूरी में हमको 2 करोड़ विधायक जी से लेना पड़ा, जितेंद्र चौधरी के घर से शंभू ठाकुर जी का और रामकिशन चौधरी जी के घर से राजकिशोर सहनी जी का, खाली हमको इसलिए लेना पड़ा कि सड़क का काम हमारे माननीय तेजस्वी जी जो आज कल है, जो शहर के भी मंत्री है, गांव के भी मंत्री है, सड़क के भी मंत्री है, गांव के सड़क के भी मंत्री है, पर्यटन के भी मंत्री है, स्वास्थ्य के भी मंत्री है, जितना मंत्रालय में पैसा था सब अकेले तेजस्वी यादव जी अपने समय के बैठे हुए हैं कि कोई नहीं करे। तो माननीय विधान परिषद जी के नेता जी को मैं काम देता हूँ कि यह सड़क तुरंत बन जाए, आपकी जिम्मेवारी है, कम से कम मेरा ही काम आप जरूर करेंगे। हम सब आज गौरवान्वित हैं कि माननीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा, अम्बेडकर जी के संविधान के पहले क्या रहे, राजा के बेटे राजा होते रहे और राजा के बेटा के अलावा कौन दूसरा राजा ना होते रहे। अम्बेडकर जी जो संविधान लिखे कि हर गरीब का बेटा भी राजा बनेगा, उसी का नतीजा है कि आज मैंने तेली समाज में जो कोल्हू के बैल घींचे के घाची कहा जाए, काहे ओकर काम बा कोल्हू के बैल घींचे के, उस समाज के बेटा आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के बैठल बा। भारत के लोकतंत्र के शक्ति बा, भारत के लोकतंत्र के शक्ति बा, एक अति पिछड़ा समाज का बेटा आज हम लोग के बीच में, जिसको हम लोग उच्च सदन कहते हैं, बिहार के सबसे उच्च सदन जनबा ओ में भारतीय जनता पार्टी के मालिक बन के बैठल बा, हमारे हरी सहनी के इस संविधान में पा होगा। और यही खातिर हम सब लगातार जब गरीब के बेटा प्रधानमंत्री बनला तो सब गरीब के कल्याण पे लगेगी। नरेंद्र मोदी के नतीजा रहे ना तो नोनिया समाज के कोनो बेटी उप मुख्यमंत्री बन जाए कौन सोचते रहे, विशाल समाज के कोनो बेटा आज उच्च सदन के नेता बन जाए कौन सोचते रहे, तब सोचल गए जब एगो गरीब के बेटा प्रधानमंत्री बनल। उतने ना कहलक पहला बार अटल जी के देव रहे कि किसान क्रेडिट कार्ड आप रहे, लेकिन ही नरेंद्र मोदी के सोच रहे कि किसान के तो जमीन होला ओकरा के तो क्रेडिट कार्ड मिल जाला, लेकिन हमारा मछुआ समाज के लगे एक दूर जमीन नहीं खेल तो कितना लोग नौकरी करेला, कितना लोग खाली बस जाके मछली मारे कोनो काम ना करेला, हमारे यादव समाज के लोग के जमीन ना होला खाली गाय करेला। नरेंद्र मोदी के देन बा कि अगर कोनो मछुआ समाज के आदमी के एक को धूल जमीन ना होके तो भी किसान क्रेडिट कार्ड उसको मिलने का काम होगा, यह नरेंद्र मोदी जी का देन है। और उतने नहीं, अभी 17 तारीख को जो उन्होंने विश्वकर्मा योजना का घोषणा किया है, इसमें हमारे जो मछुआ समाज के लोग जाल बीनते हैं उनको 5 लाख रुपया बिना गारंटी के 5% सूद पर मिलने का काम हुआ है। हमारे माली समाज के बेटा के जो माला बनाना ओकरा के 5 लाख रुपया बिना गारंटी के मिल सकेला, हमारे बढ़ई समाज के बेटा के अगर लकड़ी के काम करे के चाहे तो 5 लाख रुपया ओकरा के बिना गारंटी के मिल सके, हमारा कुमार समाज का बेटा के जो बैठ करके चाक चलाएला ओकरा के 5 लाख रुपया की तुम लोग कमाओ तुम लोग बनो पैसा हम देते हैं अपना काम शुरू करो, इतना बड़ा सोच अगर किसी ने रखा है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी ने रखा है, दूसरा किसी ने नहीं रखा। कितना लोग के पास 14 से पहले अनाज मिलता था, अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए कि 14 के पहले हमने समय से कितना लोग के अनाज मिलत रहे। नरेंद्र मोदी एलान तो बिहार में कहलन कि हमारे हर गरीब के अनाज ओकर हक बा, और वो दिन से जे दिन प्रधानमंत्री बनल ओकर 3 महीना बाद से हर गरीब के घर में राशन भइल, कोनो पीला कार्ड के जरूरत ना पड़ल। वो जब देखने दिक्कत बा कहलन कि सब लोग मारने वाला गरीब तो बोलिए नहीं पाता है, हमको भी समय याद है हम सांसद थे, 400 रुपया के कोनो गरीब बुढ़िया अतिथि के हमारे वृद्धा पेंशन नहीं मिलत,
वो पैसा मार देता था। सब नरेंद्र मोदी बोले कि सब पैसा खाते में जाएगा। आज अगर आप लोग को ईमानदारी से हर घर में अनाज जा रहा है तो केवल एक कारण से जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि हमारा गरीब भाई खुद जाके पीडीएस से निपट नहीं सकता जनप्रतिनिधि जन वितरण के। तो आज से जब गरीब के अंगूठा लागी तबे ओकरा के अनाज मिली, अगर बीच में कोई ओकरा के मारी तो अनाज दिल्ली लौट जाएगा लेकिन कोई छू नहीं सकता है। और यही कारण है कि आज सब लोग के घर में अनाज बटेला। ना तो याद करी जो लोग के अनाज बटत रहे, एक महीना बटत रहे, चार महीना का अनाज गायब हो जाता है। यो सब हम देखने वाला तो इस सब तभी संभव हुआ जब एक गरीब के बेटा प्रधानमंत्री बन रहा। एक एक चीज के ध्यान रख रहा हम केंद्र सरकार में और आशीर्वाद से बनी। एक एक केंद्र सरकार में मेन रोड बा, हाईवे बा, रेल बा, जितना हम सबके केंद्र सरकार में काम है एक एक पैसा गरीब लोग पहुंच जाए ये देखा हमारे काम बा एकदम पूरा हम चिंता करेंगे। और आज हमने सबका दिन फख्र के दिन बा कि हमने सबके समाज के बेटा हम पिछले समाज से एक अति पिछड़ा समाज के बेटा आज हमने सबके नेता के रूप में यह उपस्थित हुआ। तो हम माननीय हरीश साहनी जी के हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते करते हम अपना बात को समाप्त करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, हरीश साहनी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए बड़ा ही खास दिन। खास दिन क्यों है? आपको लगता होगा कि इनको पार्टी बनाया है, इतना बड़ा पद दिया है, बनाया है तो इसलिए ही कह रहा है खास है। खास है, खुशी उमंग उत्साह का शिखर चूम रहा है। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि पार्टी मुझे इतना बड़ा दायित्व दिया है, मुझे इसलिए खुशी मिलती है कि जहां भी जाता हूं मन से ये कहा जाता है कि आजादी के बाद पहली बार बिहार में किसी अति पिछड़ा के बेटा को इतना बड़ा सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। इसलिए खुशी मिलती है, इसलिए कि लोग कहते हैं इस मछुआ समाज को, मल्ला समाज, निषाद समाज को वोट तो सभी पार्टी ने लिया लेकिन इतना बड़ा सम्मान देने का किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, इसलिए भी मुझे खुशी मिलती है। और खुशी मिलती है इसीलिए अपने बिहार के तमाम अति पिछड़ा के बेटा, निषाद के बेटा के तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के तरफ से अपने शीर्ष नेतृत्व, हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, पूरे भाई के तरफ से उनको भी मैं चंदन वंदन अभिनंदन करता हूं जो इतना बड़ा दायित्व देने का काम किया। एक बात समझ में तब आता है कि लोग हम लोगों से पूछते हैं कि भाई INDIA ये सत्ता में आएगा कि मोदी जी आएंगे। हम उनको कहते रहते हैं कि भाई ये बात जो हमसे पूछते हैं सो आप किसी भी चौक चौराहा पर कोई पत्रकार बंधु हमारे चले जाते हैं और ठेला पर छोला बेचने वाले, भटोरा बेचने वाले, पान बेचने वाले, चाय बेचने वाले, मछली बेचने वाले, आप किसी से भी आप ऐसे जैसे बैग लगा के पूछता है कि देश में आप नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं कि INDIA के नेता को देखने चाहते हैं तो सब ऐसा जवाब देते हैं जैसे लगता है कि उसके दिल में वीर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का आत्मा प्रवेश कर गया है। ऐसे जुनून के साथ बोलता है मोदी मोदी मोदी, वो सिर्फ मोदी और मोदी को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। वो कहते हैं हम लोग किसी को नहीं जानते हैं, ये क्यों वो जानते हैं तो मोदी को जानते हैं। ऐसा क्यों देश भर में कहा जाता है? मुझे जो लगता है
लोग कहते हैं कि मोदी जी का तो दिया हुआ बहुत योजना, लोग बात करते रहते हैं तो मुझे लगता है रे भाई आप कहते हो बिजली दिया, बिजली आज से थोड़ी है, बिजली तो बहुत पहले से है। तो मोदी जी किए क्या? मोदी जी यही किए कि पहले बिजली था लेकिन कहां, केबल और केबल सक्षम लोगों के घर में था। इस बात को मानते हैं कि नहीं? सक्षम मतलब वो किसी जात का हो सकता है, ब्राह्मण राजपूत में भी हो सकते हैं, राम परिवार से, बलाह परिवार से, कोई लोग जो सक्षम लोग हैं उनके घर में बिजली था। नहीं था तो किसके घर में नहीं था? केवल गरीब के घर में नहीं था। ये बात सच्चाई है ना, गरीबी के घर में नहीं था। अच्छा एक बात कहिए कि गैस चूल्हा कोनो आग थोड़ी आया है, वो भी था लेकिन किसके घर में था? केवल और केवल सक्षम लोगों के घर में। नहीं था तो किसके घर में नहीं था? गरीब के घर में नहीं था। गैस भी आज से नहीं है, बैंक में खाता भी आज से नहीं है, वो बहुत पहले से है। और देश भर के जितने अमीर लोग थे सबके सबका खाता बैंक में था लेकिन कोई गरीब का बेटा बैंक के गेट पर भी पांव नहीं दिए हुआ था। और गेट पर पांव नहीं, सारे गरीबों का खाता बना खुला तो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में खुला, इसलिए लोगों ने गरीब का मसीहा मान दिया। Bye.